तो श्याम क्लचर इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आपको मालूम है ट्रेड थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन स्किल के अभी पेपर हल कराए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर वर्कशॉप क्वेश्चन साइंस के पेपर भी हल कराओ। तो दोस्तों आज आपके सभी ट्रेडों के लिए वर्कशॉप क्वेश्चन साइंस का पेपर लेके आए। दोस्तों बहुत ही अच्छा पेपर है और अभी 2021 में ही पूछा गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इतने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे कि लगभग एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहना और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और वीडियो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ऐसे ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं, मैं ज्यादा वक्त खराब नहीं करूंगा, ओन पेपर पर ध्यान देते हैं हम। और ये आपका वर्कशॉप क्लिकन साइंस का पेपर आप अच्छे से देख लो, और 50 अंकों का ये पेपर आएगा और आपका मालूम है ये लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा आपको इसमें। तो ये आपका प्रथम वर्ष का पेपर है, तो आप सभी प्रथम वर्ष के छात्र वीडियो जरूर देखें। अगर आपकी एग्जाम आपको मालूम 15 मार्च के बाद कभी हो सकते हैं, इसके अलावा भी न्यू एडमिशन वाले बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ उनको सीखने को जरूर मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, और आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों 1 मील बराबर होता है। तो देखो ये इकाई है, ये तो आपकी बेसिक चीज़ें आपने पहले लेसन में पढ़ाई होगा कि 1 मील में कितना होता है। तो दोस्तों आपको मालूम है 1 मील में 1.609 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 1.609। तो पहले का करेक्ट आंसर आ रहा है आपका ए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आप ये इकाई वाली सारणी जरूर याद करें ना, यानी आपकी जो जितनी भी इकाई है मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ग्राम कुछ भी इकाई वो सभी याद कर लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो अच्छे से न्यूमेरिकल आएंगे उनको भी दोस्तों अच्छे से हल कराएंगे, लेकिन वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना यार आप। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यदि इसे सेंटीग्रेड में व्यक्त किया जाए तो यह निम्न के बराबर होगा। तो दोस्तों इसको अगर हमें सेंटीग्रेड में व्यक्त करना है तो ध्यान रखना इसका पिक्स मान होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? मनुष्य का सामान्य तापमान। तो ये तापमान फ़ारेनहाइट में हमें सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में मान होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, उचित भिन्न का उदाहरण बताइए। अब दोस्तों आप सोचोगे कि सभी तो उचित भिन्न है, लेकिन दोस्तों इन सभी में देखो, एक देखो, इन सभी में नीचे वाला अंक है जो सभी छोटे हैं लेकिन ये एक बड़ा है। तो जहाँ पर इकाई का अंक बड़ा होता है वह आपकी उचित भिन्न होती है। तो आपके तीसरे का करेक्ट आंसर आ रहा है बी। क्या रहा है? करेक्ट आंसर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1/3 + 1/3 + 2/3, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा, अभी यहीं हल करते हैं, 1/3 + 1/2 तो इसका लघुत्तम 3 आ रहा है, 3 × 3 = 1 आ गया, फिर यहाँ पर 3 × 3 हाँ 3 × 3 और फिर 2 × 2 तो 3/3 तो 3 × 3 = 1 आ रहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका एकदम सही है, 1 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी दोस्तों, देखो ये पूछ रहा है 0.9 का वर्गमूल। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इन इस प्रकार के जो वर्गमूल का आएंगे आपको इनको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। देखो दोस्तों मैं हल करता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 0.9 पूछ रहा आपका। अब देखो इसमें भाग दो तो मैं इसमें 9 का भाग देता हूँ, अब 9 का इसमें जा रहा है तो 0 आ गया। अब यहाँ पर 1 और 0, यहाँ पर 0 उतारेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब देखो 9 का भाग दो, 9 में 81 तो हम यहाँ पर 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 में 81 आ गई। तो दोस्तों यहाँ लिख दो 9। ठीक है, अब यहाँ पर 9 बच रहे हैं, अब 9 इन दोनों को जोड़ दीजिए कितने हो गए 18, तो यहाँ पर 18 हो गई। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना 1, 2 सेट उतरेगा, यानी यहाँ पर 2 0 उतरते, 1 साथ 2 का आता है, 2 सेट 2 उतर गए। अब यहाँ पर ऐसा भाग दो जिससे पूरा पूरा भाग जाए, तो देखो दोस्तों इसमें मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, और 4 से गुणा कराऊँगा तो लगभग आपके 4 से गुणा कराने पर कितने आ रहे हैं दोस्तों? तो इनको गुणा करा लो, 4 × 16, 8 × 32, 32 × 33 और 4 × 4 और 4 × 3 = 7, लगभग 736 आए, यानी 94 हो गए। तो ऑप्शन में देखो इतना आगे की जरूरत पड़ेगी तो आप आगे हल कर लेना, लेकिन देखो दोस्तों इसमें यहाँ पर 0.94 आ रहे हैं, तो हाँ दोस्तों इसमें करेक्ट ए आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपके 5 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव देना, जिसे हम इसे अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 441 है उसके एक किनारे की लंबाई बताइए,
उसके एक किनारे की लंबाई बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग की चारों भुजा समान होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है एक भुजा की लंबाई। तो आपको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो आपका होता है इसका भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो बताओ 441 का वर्ग क्या होगा, तो दोस्तों 441 का वर्ग होगा 21। तो ऑप्शन देखो कहाँ 21 है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में दिख ही जाएगा मेरे हिसाब से 21 कि है सी नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2:1 और अनुपात 2:1:4। तो बताओ दोस्तों इसको हल करो आप क्वेश्चन नंबर इसको, तो 1:1:2 अनुपात 2:1:4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं 2 × 2 = 3/2, फिर अनुपात नीचे वाला में कितना आ रहा है दोस्तों, हाँ 4 × 4 = 8, 8 × 1 = 9/4। तो यहाँ पर था 4, तो 4 आया 2×2 = 4, 4×4। ठीक है दोस्तों 4×4 आ रहा था, और 4×2 = 1। दोस्तों दोबारा हल करते हैं इसको, देखो अच्छे से करो हल, 2×2 = 4, 2×2 = 3/2 हो गई यहाँ। ठीक है 4×8 = 9/4 हो गई, तो इसका लघुत्तम 4 आ रहा है। ठीक है 2×2 = 4, 2×2 = 4 और 2×3 = 6 अनुपात, 4×4 ऊपर 9 बच गए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनको हल करो, ये तो हो गया कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 6 थे यहाँ पर 9, तो 3×6 = 9। देखो दोस्तों 2:3 आ रहे के ऑप्शन में, तो अगर 2:3 आ रहे ऑप्शन में तो आपका सही है, तो आपका करेक्ट आंसर डी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 5 किलो बारूद, 20 भाग तांबा है, 3 भाग टिन है, 2 भाग जिंक है, तो इसमें तांबा जिंक की मात्रा बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखो मज़ा आएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो 5 kg क्या है इसमें, बारूद है। ठीक है अब 5 kg बारूद है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आपका 5 किलो बारूद, 5 किलो बारूद है, तो 5 किलो बारूद को मैं 5000 ग्राम भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है तो 5 kg बारूद है, ये किसको दर्शा रहा है, यानी इसमें 20 भाग तो क्या है तांबा है, और आपका 3 भाग टिन है, 2 भाग जिंक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, इतना होने के बाद दोस्तों आगे देखते हैं, तो देखो आपका कुल मिला के 25 भाग है टोटल, तो 25 भाग 5000 ग्राम को दर्शा रहा, हमने भी ज्ञात किया। ठीक है तो आगे देखते हैं एक भाग क्या करता है, तो मैं इस 5000 में इस 25 का भाग दे दूं, तो 25 × 50 तो 200 ग्राम हो गया, यानी कुल मिला के एक भाग 200 ग्राम को दर्शा रहा है। ठीक है तो आगे देखो एक भाग भाग 200 ग्राम को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों 200 ग्राम को दर्शा रहा है, तो अब देखो तांबे का भाग कितना है, तांबा, तांबा आपका 20 था, तो 20 को 200 से गुणा करो, 2×4 तो 4000 ग्राम तो ये आ गया। ठीक है आगे है आपका जिंक का कितना भाग है, जिंक है आपका 2 भाग, तो इसको किससे करो, क्योंकि एक भाग की औसत माप ये आ रही है 200 ग्राम, तो 2×4 400 ग्राम ये हो गया। ठीक है इसके अलावा क्या पूछ रही है, दो चीज़ें पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपके ये दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपके इसमें ऑप्शन देखो, अब 4000 ग्राम को हम 4 kg बोल सकते हैं, और 400 ग्राम को हम 0.4 kg बोल सकते हैं, तो ऑप्शन देख लो 4 kg और 0.4 kg, तो देखो दोस्तों 4 kg और 0.4 किलोग्राम, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाइट मेटल में 20% तीन भाग तांबा, 2 भाग एंटीमनी है, तो इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो अब आप व्हाइट मेटल में देख लो, इसमें 20 भाग टिन है और 3 भाग तांबा है और 2 भाग ये है। ठीक है टोटल 25 हो गए दोस्तों, अब 25 होने के बाद आप देखो कि कुल 25 है, तो अब इसकी प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको मालूम क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पर ज्ञात की जाती है, तो 100 पर ज्ञात की जाती है, कुल भाग 25 हुआ, और 25 किसको दर्शा रहा है 100 को, तो एक भाग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 में 25 का भाग देंगे, तो 25 × 100, तो कुल मिला के एक भाग बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 4,
ये चार ज्ञात हुआ, तो अब प्रत्येक भाग को आप चार से ज्ञात गुणा करो और इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो आपका पहला दे रखा टिन, तो बताओ टिन कितना भाग है, बीस है, तो इसका चार भाग निकल रहा है, तो बीस से चौके 80% तो आपका टिन हो गया। तांबा कितना है, तीन भाग है, और कितना औसत आप में निकला 4%, तो इसको 3 चौक 12% ये हो गया। आगे एंटीमनी कितना है, दो भाग, तो इसका कितना प्रतिशत, 4%, तो ये कितना हो रहा है, 8%। देखो दोस्तों टोटल कितना हो गया, 100% हो गया। तो अब आप ऑप्शन मिला लो कि जहाँ पर ये मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन में आप देखो कौन सा कहाँ मिल रहा है, तो आपको मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा होगा, 80 12 8। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऑटो बाइक फैक्ट्री प्रतिमाह 480 वाहनों का उत्पादन करता है, यदि इसमें आउटपुट में 15% की वृद्धि हो जाए तो एक मिनट दोस्तों क्वेश्चन क्या है, तो इस फैक्ट्री में एक माह का उत्पादन वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो उसमें एक माह का उत्पादनों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो दोस्तों देखो क्या ज्ञात करनी है, किस प्रकार ज्ञात करनी है, तो इसमें कितना 15% पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हो 480 वाहन है, 15% तो बढ़ रहा है, तो 115 कर दो बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गई दोस्तों, 5 2 10, और इसमें देखो 5 2 10 और 5 3 15 23 हो गई। अब यहाँ पर इसका भाग दिया 48 में, तो यहाँ पर आ गए 24, तो आपको 23 और 24 को गुणा करना है, तो आप 23 और 24 को गुणा करो, देखो 24 34 72 बच गए 7, 14 14 48 49 50 51 52 53 54 55, तो देखो दोस्तों 552 ऑप्शन आ रहा है, तो 552 आपका ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप अगर वैसे पूछे तो आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए जीव रहेगा, तो उसका करेक्ट आंसर भी आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, पदार्थ के किस भाग के गुण आकृति और आकार से संबंधित है, यानी कौन सा गुण है जिसके कारण आकृति और आकार से संबंधित है, तो दोस्तों आपका भौतिक गुण है जो पदार्थ के आकार और आकृति होती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में से एक है, तो बताओ दोस्तों इनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में से कौन सा एक है, तो आपका संक्षारण है, संक्षारण पदार्थ का एक रासायनिक गुण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु में स्थित तत्व है यानी मैटर की मात्रा को कहते हैं, तो बताओ दोस्तों मैटर की मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो बताओ दोस्तों 1 किलोग्राम भार में कितना न्यूटन होता है, तो दोस्तों वो आपका 9.81 न्यूटन होता है, करेक्ट आंसर डी। लगभग दोस्तों आपके लगभग 14 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की बात करिए, वह गुण जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे कहते हैं, तो बताओ दोस्तों उन दोनों तो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि, और जिसमें नहीं हो उसे कहते हैं अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो बताओ दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो जूल होता है दोस्तों, क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा एक प्रकार की क्या है दोस्तों, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा, तो करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उष्मा का मात्रक है, तो बताओ दोस्तों उष्मा का मात्रक क्या होता है, तो ये तो लगभग सभी को आता होगा, कैलोरी उष्मा का मात्रक होता है, एम मीटर मापता है, तो बताओ काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे दोस्तों, तो एम मीटर आपकी करंट को मापता है। देखो दोस्तों इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, एम मीटर के द्वारा निम्न में से किसका मापन किया जाता है, दोस्तों देखो कितने क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, तो इसमें पूछ रहा है एमीटर के द्वारा निम्न में से किसका मापन, तो सभी को मालूम होगा धारा का मापन किया जाता है, अगर वोल्टेज विभांतर पूछे तो विभांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध का मापन ओम मीटर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन लगभग आपके हो चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर क्वेश्चन है, दाब की इकाई है, तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता है, दाब की इकाई होती है पास्कल, क्या होती है, पास्कल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, एक वर्गीय प्लेट का क्षेत्रफल 2025 mm² है, तो इसकी लंबाई क्या थी, तो दोस्तों अगर आपका वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो आप 20 और 25 का वर्ग याद करो, तो 20 और 25 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, लगभग सभी को आता भी होगा, तो 20 और 25 का वर्गमूल होगा दोस्तों आपका 45, यानी आप 45 से 45 को गुणा करो, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 20 और 25, तो करेक्ट आंसर आपका सी, क्या रहा है, सी। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वर्गाकार लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल 625 सेमी है तो उस लकड़ी के टुकड़े की भुजा, तो दोस्तों ये भी वही है, आपको वही क्षेत्रफल पूछ रहा है, एक टुकड़े का पूछ रहा है, तो इसमें भी वही आएगा वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर, तो 625 का वर्ग क्या होगा 25, लगभग सभी को आता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी। लगभग 23 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अक्ष से चिन्हित रेखा को क्या कहते हैं, यानी इसमें जो ये अक्ष से दर्शा रहा है तो इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं दोस्तों भुजा, भार भुजा, क्या कहते हैं भार भुजा, तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तृतीय क्रम का लीवर का उदाहरण कौन सा है, यानी आपके लीवर तीन प्रकार के होते हैं, तो तृतीय लीवर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका तृतीय लीवर होता है उसको कहते हैं मानव का अग्रभा, मानव का अग्रभा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके वृक्ष उपयोग साइंस का पेपर अच्छे से हो चुका है, अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी हुई है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव तो करो, और अब किसी भी ट्रेड के लिए पेपर था, तो दोस्तों आज आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।